वेलकम बैक फ्रेंड्स दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा दोस्तों आज जो जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है एस बी पी ओ का उसमें जो पैटर्न था वो स्लॉट बंद से मिलता ही जुलता था एक तरह से तो हम जानते हैं कि क्या कुछ जो चेंजेस हुए हैं जैसे कि इंग्लिश सेक्शन में जो पैसेज था उसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं तो एक बार उन चीज़ों को भी हम समझ लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे वो इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग के पूछे गए थे इंग्लिश के तीस क्वेश्चन थे और क्वांट और रीजनिंग के 70 क्वेश्चन 35, 35 तो टोटल तो आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 मार्क्स के और कंपोजिट टाइम जो है वो 60 मिनट का ही हमें दिया गया है यहाँ पर ओके और हर एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्क्स जो है जीरो होता है आपको पता होना चाहिए इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इस बार जो रीडिंग कम्पेंशन आपसे पूछा गया इसमें चाइना की इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन किया गया तो कम्प्लीटली इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज था और इसमें सेनोनिम्स और एंटोनिम्स ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पर पूछी गई और अगर क्लास टेस्ट की बात की जाए तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी बेस्ड था इनोवेशन एंड इन टेक्नोलॉजी का एक क्लास टेस्ट पूछा गया और ये भी ठीक था बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और अगर बात की जाए स्पॉटिंग एरर की तो स्पॉटिंग एरर का मैं आपको पैटर्न बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इसमें क्या है कि फ्रेजेस बेस आपसे पूछा जा रहा है जिसमें आपके बोल्ड एक स्ट्रिंग लिखी हुई है बोल्ड एक स्टेटमेंट लिखा है जिसको आपको मैच करना है और आपको बताना है कि कौन सा वाला राइट यहाँ पर होगा तो इस तरह से स्पॉटिंग एरर्स में इस बार थोड़ा सा उन्होंने फंडा चेंज कर दिया है पहले क्या होता था जैसे एक उन्होंने कोई भी सेंटेंस लिखा तो उसके बीच में स्लैस लगे हुए होते थे ओके ये ए में एरर है बी में सी में डी में सिंगल लाइन में या फिर नो एरर तो उसको चेंज करके इन्होंने बोल्ड जो फ्रेज हैं उस पर आधारित प्रश्न पूछ लिए हैं रीजनिंग की अगर बात की जाए दोस्तों तो सेम वही है रीजनिंग का भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गया थे एक आपका फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया एक आपका बॉक्स अरेंजमेंट पूछा गया दोस्तों बॉक्स की जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर चैनल पर डिस्कस करूँगा और आपको बताऊंगा बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए एक लीनियर अरेंजमेंट था जो एजेस के ऊपर था जैसा मैंने पीछे कंपेरिजन में डिस्कस किया था स्लॉट बन के रिव्यू में वही सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा था कि लीनियर में कैसे लोगों को फिट करना है बैठाना है फोर्टी सिक्स ओल्ड जो पर्सन है वो थर्टी सिक्स वाले के राइट सेकेंड बैठा है इस तरह से ऐसा क्वेश्चन था कम्पलीटली एक लीनियर अरेंजमेंट था इनक्वलिटी तो इनक्वलिटी का क्वेश्चन जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था बिल्कुल सेम उससे मिलता जुलता था मतलब भाई डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स वाला तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है तो आप उस वीडियो को देख लें ताकि अगर आपके जो फाइव मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मिलता है तो आप फ्लप प्लस फाइव जो है आसानी से गेन कर लें दोस्तों रैंकिंग और कोडिंग डोडिंग कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज़ के क्वेश्चन थे जो जैसे लिखा है कि हाई आई एम फाइन तो ये एक स्टेटमेंट लिखा है इसको कोड लिखा जाता है एल आई एन ए पी ए इस तरह से जो कोडिंग लिखी जाती है तो जिसको हम चाइनीज कोडिंग बोलते हैं तो वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एक आपका न्यूमेरिक वाला था रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन से मिसेनियस के तो कम्प्लीटली ये वाला पोर्सन आसान था इसको आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों पजल्स जो हैं वो आप ये मान सकते हैं कि लगभग सिक्सटी परसेंट के अराउंड में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का पोर्सन पूछा आ रहा है फोर्टी परसेंट जो है रेस चीज़ें पूछी जा रही हैं तो अगर आपका ये पार्ट अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है तो एटलीस्ट आपको एक पजल तो बनानी है अगर चार पजल आपसे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं तब अगर क्वांट की मैं बात करूं तो क्वांट में पाँच मार्क्स का आपका नंबर सीरीज था नंबर सीरीज काफ़ी आसान इजी लेवल के थे तो अगर मैं रीजनिंग की अपेक्षा करूं क्वांट से तो क्वांट में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग के कंपेरिजन में तो ये भी कम्प्लीटली ईजी था और जो मॉर्निंग का पेपर था उससे मिलते उलते ही क्वेश्चन थे डेटा इंटरप्रिटेशन के भी दो सेट पूछे गए थे जैसा कि पहले स्लॉट में पूछा है अप्रॉक्सीमेशन के पांच क्वेश्चन पूछे थे जैसे ही हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं हम इन सेट को भी डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक में आपको बता चुका हूँ पांच क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछे गए थे इसका मेमोरी भी पेपर मैं आपको बनाकर बहुत जल्दी देता हूँ जिसमें वो पांच क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और बाकी दोस्तों रिमेनिंग जो है मिसेलनियस के क्वेश्चन है जैसे टाइम एंड वर्क परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस मिक्सचर्स एलिगेशन के एक आपका मैंसुरेशन का क्वेश्चन भी था तो इस तरह से दस क्वेश्चन आपके मिसेलियस वाला पोर्सन आपसे यहाँ पर पूछा गया था ओके अब अटैम्प्ट की दोस्तों अगर बात की जाए कि टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितने लोगों ने किए हैं या फिर क्या पेपर का ट्रेंड चल रहा है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर रीजनिंग की बात की जाए और मैथ्स की और इंग्लिश की तो रीजनिंग में दोस्तों थोड़ा सा पेपर का लेवल जो है वो प्लस हुआ है मतलब कि उसमें जब चार पजल आप समझ सकते हैं आ जाती है तो ऑटोमेटिकली पेपर का लेवल अपने आप में डिफ़िकल्ट हो जाता है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जेनरिक मैं बता रहा हूँ सबके लिए कुछ लोग पजल में बहुत अच्छे होंगे तो उन्होंने तो यहाँ पर थर्ड स्कोर कर लेंगे लेकिन जिन्होंने पजल कम पढ़ रखी या फिर जिनसे पजल नहीं बन पाई तो उस हिसाब से स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली लो जाता है तो फिर भी अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर अभी मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा मैथ्स में अगर मैं कहूँ तो मैथ्स का पेपर इजी है अगर मैं रीजनिंग और इंग्लिश के कम्पेरिजन में बात करूँ तो यहाँ पर एक आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं और इंग्लिश में थोड़ा सा पेशेंस रखना है टाइम देना है वहाँ पर आप क्वेश्चन इसको भी बना सकते हैं तो ओवरऑल अटैम्प्ट कुछ लोगों के जो कमेंट आए हैं उन्होंने कहा है फिफ्टी प्लस हमने किए हैं कुछ ने कहा है कि सर हमने फिफ्टी टू किए हैं एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था उसने मुझे किया है कि सिक्सटी मैंने मैंने किए हैं तो ये तो लोगों के नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ सेक्शनल में कुछ लोगों ने यहाँ पर 25 तक अटैम्प्ट कर लिए हैं 22 से लेकर 25 तक तो ये मैथ्स का सिस्टम है रीजनिंग में उनका यही कहना है कि लगभग सिर्फ 15 से 18 ही हो पा रहे हैं यहाँ पर और इंग्लिश में उन्होंने लगभग 20 के आसपास में भी अटैम्प्ट कर लिए हैं फाइन तो इस तरह से मैं मान सकता हूँ कि फिफ्टी प्लस तो स्कोर लोग कर रहे हैं ओके लेकिन ये बैरी करता है कि आपका पेपर कितना कैसा आया आसान आया है या फिर डिफ़िकल्ट आया हुआ है ओके तो अभी तक ये माना जाए कि जो मॉर्निंग का शिफ्ट था उससे सिमिलर ही एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है और दोस्तों ये होता भी है कि जो शिफ्ट बन का एग्ज़ाम होता है तो जो आपकी फाइनल शिफ्ट चलती है जैसे कि अगर आपका दस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो कहीं ना कहीं पर वो पैटर्न रिपीट होता रहता है और स्टेटमेंट जो पूछे जाते हैं फर्स्ट शिफ्ट में उसका ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन वैल्यू डिजिट चेंज करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस पजल्स के डीआई के वो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे इवनिंग तक तो आप दोस्तों बने रहें उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी और भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और यहाँ पर जो प्ले दी दिए हैं आप इनको विज़िट कर सकते हैं लोगों पर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों और वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज़ आप शेयर कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स क्योरीज हैं आप जरूर यहाँ पर पूछें हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स थैंक यू